ओम शांति। मीठे बच्चे, आज की मुरली 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार। मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? उत्तर, माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है, इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का सुख है जो भरमा देता है, इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है, भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली, तुम जानते हो जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं, तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा, उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूझ गए हैं। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है, यह बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोकवाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो, मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर, बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत, अभी आसुरी संप्रदाय है ना, यह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो यह रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं कि आखरीन रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं यह रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफीजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर, इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को, तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं, ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूँ। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता, मैं ही हूँ सुखदाता, भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। कहते हैं गॉड फादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते हो यह धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बा
गाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते, फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया। समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला, धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई, नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते हैं कि गुरु की अकृपा हुई। बिचारे भक्त लोग समझने बिगर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं, यह भी ड्रामा। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं, बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मोह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको मालामाल कर देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है वह देने, बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। यह लक्ष्मी नारायण आदि वॉइसलेस देवताएं थे, उन्होंने महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे, कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे, जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, यह चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहां जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो यह छीछी दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम यहां बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में, कहां वह भक्ति मार्ग, कहां यह ज्ञान मार्ग। यहां भारत का हाल देखो क्या हुआ है, खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, टाइम है बाकी थोड़ा, उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं, रावण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है, बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं अमृत छोड़ विषकाहे को खाए, अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया है, तालाब में डुबकी मारते हैं, मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है, मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते हैं। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई हैं, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है, फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी हैं। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं, अभी तुम समझा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। यह तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता,
भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। यह है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं हैं। ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहां से आया? गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है? तुम जानते हो सत्युग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे। देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती नहीं जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। तत्व भी बिल्कुल सतोप्रधान हो जाते हैं। यह भी समझने वाले समझें। सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नर्क कहा जाता है। द्वापर को इतना नर्क नहीं कहेंगे। त्रेता में भी दो कला कम होती हैं। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना? हर एक मनुष्य नर्क में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांतिमय राज्य करेंगे। दुख का नाम ही नहीं होगा, तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं? जानते भी हैं हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवें? बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो बाबा, हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे, उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं। सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं, वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहां है, तुम भी यहां बैठे हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहां बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कॉम्पिटिशन होती है ना? अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है? भारत को जैसे बहिष्ट बना दिया है, तो वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा? साइंस सारी तुमको वहां काम में आती है। साइंस का सुख ही वहां है, यहां तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह माया का पिछाड़ी का पंप है। यह एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं, आगे यह सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी। यह सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना? यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहां ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है।
हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है, खुद पवित्र बन फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने दो बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का, अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूझना नहीं है, दो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान निश्चय बुद्धि बन लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतु होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है।